एक लोटा पानी अंतिम भाग। एक आदमी बोला, वाह मालिक, बिना जलपान किए कहाँ जाते हो। दूसरा आदमी लोटा लिए चरण धोने का उपाय करने लगा। तीसरा आदमी परशुराम को बैठने के लिए अपना साफा धरती पर बिछाने लगा। चौथा आदमी दौड़ा तो एक दोने में मिठाइयाँ भर लाया। परशुराम ने कहा, कैसे पागल हो तुम लोग, जिस कन्या का कन्यादान दिया उसका भोजन कैसे करूंगा। इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते परशुराम ने देखा कि यंग साहब ने सदल बल उनको घेर लिया है। परशुराम ने उनको ललकार कर कहा, गांव के बाहर आकर मजदूमी दिखाओ। उसके बाद रहीम के साथ परशुराम ने घोड़ों को एड़ लगाई और गांव से बाहर हो गए। साहब ने पीछा किया, सब लोग घोड़ों पर सवार थे। तड़ातड़ गोलियां छूटने लगी। वे दोनों भी फायर करते करते जाते थे। परशुराम और रहीम के अचूक निशानों ने 5 सिपाही मार डाले। परशुराम को भागने का अवसर देने के लिए रहीम ने अपना घोड़ा पीछे लौटाया और सिपाहियों के साथ जूझने लगा। सब लोगों ने उसे घेर लिया। दनादन गोलियां छूटने लगीं। 3 सिपाही रहीम ने मौत के घाट उतार दिए। उसके शरीर में 4 गोलियां घुस चुकी थीं। 1 गोली घोड़े को लगी थी। घोड़ा और सवार दोनों ही मरकर गिर पड़े। तब तक परशुराम एक कोस आगे निकल गए थे। साहब ने रहीम को वहीं छोड़ा और परशुराम का पीछा किया। 3 कोस के बाद परशुराम दिखाई पड़े। साहब की गोली से परशुराम का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। परशुराम पैदल चलने लगे। आगे था एक नाला, 5 से 6 गज चौड़ा था और 30 हाथ गहरा था। बरसाती पानी ने उस नाले को खंडक का रूप दे दिया था। परशुराम ने कूदकर उस पार करना चाहा, परंतु पैर फिसल गया। वे खंडक में गिर पड़े। किनारे यंग साहब आ खड़े हुए। नीचे अंधेरा था, साफ साफ दिखाई ना पड़ता था। ज्यों ही साहब ने नीचे झांका, त्यों ही परशुराम ने गोली छोड़ दी। विक्टोरिया के इकबाल साहब तो बच गए, मगर उनका तोप उड़ गया। सिपाहियों ने गोली छोड़ी। परशुराम एक किनारे छिप गए। फायर खाली गया। साहब ने कहा, 30 हाथ गहरे गड्ढे में गिरा तो भी निशाना मार रहा है। शाबाश बहादुर, शाबाश। तब तक परशुराम ने आवाज के निशाने पर एक गोली छोड़ दी। साहब के पास एक सिपाही खड़ा था, उसकी खोपड़ी उड़ गई। साहब ने कहा, हमारे 9 आदमी काम आ चुके हैं, मगर डाकू का एक ही आदमी मरा। एक सिपाही था राजपूत, उसने आगे बढ़कर कहा, मिट्टी गिराकर डाकू को दबा देना चाहिए। आवाज का निशाना साधकर परशुराम ने गोली छोड़ी। राजपूत बेचारा मरकर गिर गया। साहब ने कहा, वेल परशुराम, तुम बाहर आ जाओ, हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम एक बहादुर और बात का धनी आदमी हो, हम तुम पे निशाने पर खुश हूँ। परशुराम ने जवाब दिया, मैं अपना वचन पूरा कर चुका हूँ। एक लोटा पानी से उदृढ़ हो गया, अब मारने का डर नहीं है। साहब, अगर तुम डाका डालना बंद करने की कसम खाओ तो हम तुमको वायसराय से कहकर छुड़ा लेगा। इत्मीनानी करो और बाहर आओ। तुम भी बात का धनी, हम भी बात का धनी, आज से तुम हमारा दोस्त हुआ। परशुराम बाहर निकल आए और आत्मसमर्पण कर दिया। यंग साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आगरा ले गए। कुछ दिनों मुकदमा चला, मगर यंग साहब ने परशुराम को साफ बरी कर दिया। परशुराम ने समझ लिया, अच्छा उद्देश्य होने पर भी आखिर डकैती थी बहुत बुरी चीज़, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। अतएव उस काम को छोड़ दिया। वे साधु हो गए और अपने साथियों को नेकी का जीवन व्यतीत करने का उद्देश्य दिया। परशुराम ने हरिद्वार में जाकर
5 साल तक घोर तपस्या की और 1935 ईस्वी में गंगा जी की बीच धारा में खड़े खड़े शरीर त्याग दिया। परशुराम ने यह दिखला दिया कि विपत्ति को देखकर भी वचन का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।